बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता दें, यहां पर बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नजरअंदाज करने पर वकील जो हैं वो आक्रोशित हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला और प्रतिनिधिमंडल को ये लगा कि उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया, इसी वजह से अब वकील जो हैं वो प्रदर्शन करते उदयपुर में नजर आ रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत भी साथ थे। नजरअंदाज करने पर वकील आक्रोशित हैं। हाईकोर्ट बेंच की मांग उदयपुर में की जा रही है और इसी को लेकर के लंबे समय से ये मांग इन वकीलों की, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ वकीलों का प्रदर्शन है, दूसरी तरफ कांग्रेस का चिंतन। उदयपुर में कांग्रेस 3 दिनों का चिंतन शिविर लगाए हुए है और चिंतन शिविर को ध्यान में रख के ही वकील जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वकीलों से जब हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली ने बात की थी उस दौरान उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस आलाकमान तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और इसी वजह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वकीलों की नाराजगी साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए भी देखी जा सकती है, क्योंकि जो वकील हैं बार एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग इनकी एक है कि आदिवासी अंचल जो है उदयपुर, वहां हाईकोर्ट की बेंच दी जाए। तो ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए, हाथों में काला झंडा लिए वकील प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वकीलों का ये कहना है कि आज उनका सांकेतिक प्रदर्शन है। तो हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, पहले तो सांकेतिक कहा गया, अब तो ये प्रदर्शन उग्र लग रहा है। कपिल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, मैं आपको। तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि सांकेतिक प्रदर्शन, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा आपको। आप देखिए कि जो वकील हैं बार एसोसिएशन जुड़े हुए, वे इस समय गिरफ्तारी देते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर उग्र प्रदर्शन में तब्दील हुआ। पहले ये सांकेतिक प्रदर्शन था, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन की ओर बदल चुका है। और आप देखिए कि काले झंडे लगातार दिखाए जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो है वो आप देखिए, जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। अब प्रशासन की ओर से गिरफ्तारियां देने जा रहे हैं हम लोग। हमारा प्रदर्शन की कल आगे रणनीति हम और बनाएंगे। हम इस तरीके से चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक यहाँ पर यह चिंतन शिविर चलेगा, तब तक वकीलों का आंदोलन इसी तरह से उग्र रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में जू रहेंगे। इसके लिए हम लड़ने मरने को लिए तैयार है। मेवाड़ वागड़ का अधिवक्ता अब अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार है। देखिए, जब तक चिंतन शिविर चलेगा तब तक यहाँ पर जो वकील हैं वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और आप इस और कोर्ट परिसर के बाहर देख सकते हैं, आप देखिए कि कोर्ट परिसर के बाहर सभी वकील लगभग काले झंडे हाथ में लिए देखे जा सकते हैं। ये सरकार को के सामने एक विरोध दर्ज करा रहे हैं। वकीलों का कहना है कि जिस तरह का रवैया उनके साथ में रहा है उससे वे खासे नाराज हैं, और यही वजह है कि
वे उन्होंने एक आंदोलन करना यहाँ पर तय किया था और आंदोलन के दौरान आप देखिए कि सुबह ये प्रदर्शन सांकेतिक रूप से लग रहा था, कुछ ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप देखिए लगातार वकीलों की संख्या बढ़ती गई है और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि वकीलों से काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। ऐसे में पुलिस के खिलाफ भी वकीलों का आक्रोश है कि जो ये शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन पूरे परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया, उनकी आवाज को पुलिस ने दबाने की कोशिश की। यही वजह है कि पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पर वकील खासे आक्रोशित हैं। आप देखिए उदयपुर में लगातार इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा उदयपुर में आए थे, अपने कार्यकर्ता के घर पर बैठने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जबरन सड़क पर नहीं निकलने दिया और जबरन उन्हें जयपुर रवाना कर दिया। अब वकील यहां पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है, लेकिन आप देखिए कि वकील यहां पर प्रदर्शन करते हैं, उसके पहले करीब तकरीबन आधा किलोमीटर का रेडियस जो है कोर्ट परिसर का, उसे छावनी में बदल दिया गया है। वहां पर भारी जो पुलिस जाप्ता है वो तैनात है, सभी ओर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है और वकील अब यहां पर आप देखिए काले झंडे लगाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि वे जब तक ये चिंतन शिविर चलेगा, जब तक सरकार के आला नेता उदयपुर में मौजूद रहेंगे, तब तक वे अपनी मांग को पुरजोर तरीके से जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उग्र वकीलों का जो उग्र माहौल देखने को मिल रहा, वकीलों का जो आक्रोश है उसे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे सरकार के खिलाफ जो है वो वकीलों का आक्रोश है। क्योंकि ये जो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग है, ये तकरीबन 40 साल पुरानी मांग है। और देखिए उदयपुर एक आदिवासी बाहुल्य इलाका, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि आदिवासी बाहुल्य इलाका होने के चलते यहाँ की जनता गरीब जनता है और उन्हें जो है वो गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है। शांतिलाल जी चपलोत हमारे साथ में, चपलोत साहब क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट की? हमारे हाईकोर्ट बैंक के मांग पिछले 40 वर्षों से है और पहले यहाँ भी लेटेस्ट पैटर्न के तहत माना साहब ने हाईकोर्ट में मना रखी थी। हाईकोर्ट यहाँ से जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मर्जर हुआ, तब जोधपुर चली गई और जयपुर में भी रहनी थी। जयपुर में सन 76 में 30 जनवरी को हो गई एमरजेंसी के दौरान। यहाँ की मांग हमेशा लंबी रही, 1982 से हमारी मांग बराबर चली आ रही है। मैंने स्वयं ने इतनी बार संघर्ष किया, 102 दिन तक भी हड़ताल, 70 दिन भी हड़ताल, 169 दिन भी हड़ताल, कुल मिलाकर के हमारे लोगों ने कम से कम 2600 दिन तक हड़ताल रखी है। इससे ज्यादा तो हम कभी कह सकते हैं। दो दिन पहले आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, आप भी साथ में थे, किस तरह का रेस्पॉन्स था उनका? उन्होंने कहा था शांति जी मैं नहीं कर सकता, मैं गया था, खुद ही गया था, किसी के आप साथ ननवाड़ा जी हम सब थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा आप जानते हो, जानते मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, पहले 2009 में भी गए, दिल्ली में भी गए हम, मोहली जी से मिले, मोहली जी ने कहा कि भाई आप बनाओ और अशोक गहलोत को चिट्ठी लिख करके दी कि भाई आप लाओ, मैं था, गिरजा जी थे और बांसवाड़ के एमपी साहब सब थे और सीपी जोशी जी भी थे। मोहली जी ने चिट्ठी लिख करके दी पर उसका उत्तर अशोक जी गहलोत ने नहीं दिया। हमने आम पर मेंशन किया, वसुंधरा जी ने भी हमको बुलाया वहाँ। आज के दिन की बात है, आज 15 तारीख है और 16 तारीख से मैंने आम मंचन किया था, 19 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पर भी बात हुई और उन्हें कमेटी गठित करने की बात थी पर उसका हुआ कुछ नहीं। अच्छा, पूर्व जब मुख्यमंत्री मना कर दे उसके लिए तो आपके आंदोलन का फिर क्या औचित्य रह जाएगा, कैसे आपकी मांग पूरी होगी? मुख्यमंत्री जी मना करेंगे, 5th शेड्यूल में आदिवासी इलाके के लिए गवर्नर साहब को पावर है पर वो अनुशंसा मांग रहे हैं, अनुशंसा चाहते हैं हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट अनुशंसा कर देगी तो वो बना सकते हैं। हम वहाँ दिल्ली में भी गए, दिल्ली में भी केंद्रीय नेताओं से मिले, उन्होंने कहा राजस्थान सरकार से अनुशंसा करो, हम अपने जरूर करेंगे। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से मिले, उनसे समझ लेने, हम लोग गए भी थे पर अनफॉर्चुनेट पार्ट यह था कि हम 10-12 जने गए और उस दिन सुषमा जी की डेथ हो गई तो सारी बात गड़बड़ हो गई वहाँ दिल्ली में। आप देखिए अब प्रधानमंत्री से उदयपुर के वकीलों को आशा है वे उनसे मुलाकात करेंगे, हम और भी लोगों से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, आप बताइए कि आपका आंदोलन आगे कैसे उग्र होगा? ऐसा है कि साहब हम सभी
कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, मुख्यमंत्री का उदयपुर की धरा पर हम स्वागत करते हैं, परंतु जिस तरह से मुख्यमंत्री जी केवल जोधपुर के मुख्यमंत्री ही मानते हैं, हम उनसे मांग करते पूरे प्रदेश की सोचे, जिस तरह से वो आदिवासियों को भला करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री अगर आदिवासियों को भला नहीं कर सकते तो उनको अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। विगत 40 वर्षों से हम इस मांग को 40 वर्षों से मांग कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, मगर जिस तरह से हमारे को वो एक कीड़े मकोड़े की तरह देखना चाहते हैं, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पूरी मेवाड़ की जनता उनको माफ नहीं करेगी। आप मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं लेकिन रेस्पॉन्स तो मिल नहीं रहा। सर 28 जुलाई 2009 को डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली साहब जब भारत के तात्कालिक विधि मंत्री थे और मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने अशोक जी गहलोत साहब को एक पत्र लिखा था उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किए जाए, आप अनुशंसा करिए। लेकिन तब से लेकर के आज दिन तक चाहे अशोक जी गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे सिंह सिंधिया हो, इन दोनों ने किसी भी प्रकार का सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। हमारा जो क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के आधार पर आता है और इस 5th शेड्यूल के आधार पर कि झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, एमपी के अंदर तीन बेंचें दे दी गई है, तो हमारे यहाँ पर देने के अंदर क्या हो रहा है? काले झंडे किसको दिखा रहे हैं? हमारा मुख्यमंत्री है, कांग्रेस से हमारा कोई विरोध नहीं है, कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है, सरकार से विरोध है, कांग्रेस से कोई विरोध नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, इसका आजादी में योगदान था, वो हम नहीं भूले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल मात्र जोधपुर के मुख्यमंत्री हमारा उनसे विरोध है। लेकिन संभावना उसके पूरे होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं है। देखिए साहब, आजादी का आंदोलन भी किसी को संभावना नहीं लगती थी, ये तो लड़ाई है और हम लड़ रहे हैं। सफलता असफलता को देख के लड़ाइयाँ नहीं की जाती है, और आज हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पहले भी इन्होंने भूख हड़ताल की, आज भी ये गिरफ्तारी दे रहे हैं इस बात के लिए कि इस हाईकोर्ट बेंच की मांग के समर्थन में चपलो साहब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और विधि मंत्री रहे हैं, वो आज अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। यही पता लगता है कि इस मांग के लिए कितना यहाँ का अधिवक्ता वर्ग और आम जनता कितनी शिद्दत से लड़ाई लड़ रही है। लड़ाइयों के परिणाम कभी भी तय नहीं होते, लड़ाइयाँ है, हम अपने उद्देश्य जब तक खत्म नहीं हुआ हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट बेंच के लिए लोग लड़ते रहेंगे और आप देखिए कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत भी इस समय गिरफ्तारी देते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए गिरफ्तारी दी जा रही है। और आप देखिए कि शांतिलाल चपलोत जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधायक और सांसद रह चुके हैं, वे भी अब गिरफ्तारी देने के लिए जो पुलिस द्वारा जो बस लगाई गई है उसमें बैठ गए। उसके अलावा गिरजाशंकर मेहता जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वे आप देखिए गिरफ्तारी देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अरुण व्यास जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, और भी जो वकील हैं उनकी बड़ी तादाद यहां पर देखी जा सकती है जो कि लगातार जो है वो अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठा रही है, और मांग पुरजोर तरीके से उठाने के साथ ही सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि केवल और केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। और आप देखिए इस बार तो वकीलों को, जैसा कि ये वकील बता रहे हैं, इनकी जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो स्पष्ट तौर पर वे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच देनी उनके लिए बहुत आसान नहीं है। तो आप देखिए ये एक बड़ी वजह है ये वकीलों को आंदोलन को उग्रता देने की, क्योंकि जो वकील पहले ये कोशिश कर रहे थे कि अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाकर उसे पूरी कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब सरकार की ओर से ही नकारात्मक रुख आया तो वकील पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, काले झंडे लेकर कोर्ट परिसर के बाहर उतर गए हैं। और देखिए जैसा कि पहले भी जो अभी हमने कुछ वकीलों से बात की, शांतिलाल चपलोत जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात की, तो उनका भी कहना था कि भले ही जो परिणाम है उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। ये कोशिश की जाएगी कि जो हाईकोर्ट बेंच की जो लंबे समय से जो मांग चली आ रही है उसकी आवाज और पुरजोर तरीके से उठाई जाए। जी, तौर पर नजर आ रहा है कि सभी वकील जो है यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात भी रखे हैं। लेकिन अगर कपिल टेक्निकल पहलू पे जाया जाए, अगर आपके पास कोई वरिष्ठ वकील वहां पर मौजूद हो, किस तरह की जो टेक्निकल दिक्कतें हैं या कानूनी दिक्कत है तीसरी बेंच उदयपुर में बनाने को लेकर, क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर जोधपुर हाईकोर्ट पहले से है, जयपुर के अंदर एक बेंच है, और अगर उदयपुर उन मानकों पर खरा उतरता है कि वहां पर तीसरी बेंच होनी चाहिए तो दिक्कतें क्या आ रही है? किसी तरीके के कानूनी प्रावधानों की जरूरत है, उन्हें किया जा सकता है? और जैसा कि वकील बता रहे हैं कि किसी भी सरकार के अंदर इस मांग को कंसीडर नहीं किया गया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि इसको जो है इसका मूल्यांकन किया जाए, इवेल्यूशन किया जाए और उसके बाद तीसरी बेंच की स्थापना को मंजूरी दी जा सकती है।
तो इस बात को बेहतर तरीके से वकील समझा सकते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड पर क्या दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए आप पहले इसकी जरूरत को समझिए, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता क्यों है। मैं आपको तस्वीरें भी साथ में दिखाता रहूंगा। आप देखिए कि पुलिस के जो लोग हैं वो चारों ओर से जो कोर्ट परिसर के बाहर का इलाका उसे घेर लिया, और ये वजह है कि जो वकील हैं उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है कि उनके आंदोलन को इस तरह से दबाने की कोशिश में पुलिस क्यों जुटी है। देखिए, हाईकोर्ट बेंच की उदयपुर में आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उदयपुर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जिसमें हम सिरोही से लेकर जो उदयपुर संभाग के जो अन्य जिले हैं, देखिए तस्वीर देखिए आप, कुछ झड़प, हल्की झड़प होती हुई भी पुलिस के साथ में आप देख सकते हैं। वकील जो है वो चिंतन शिविर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और पुलिस की जो जवान है वो इन्हें रोक रहे हैं। वकील जबरन कोशिश कर रहे हैं कि वे इस रूट पर आगे बढ़े, ये रूट आगे चिंतन शिविर का जो रास्ता, जो जो ताज अराउंड रिसोर्ट है उस ओर जाता है, और इस ओर जाने के लिए इन्हें रोका जा रहा है। हालांकि कुछ वकील जो है वो समझाइश कर रहे हैं कि किसी तरह से माहौल खराब ना हो, लेकिन कुछ जो एडवोकेट्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। पुलिस की बड़ी टीम मौजूद है, कई जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरह से वकीलों को इस सड़क पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इसी जगह पर रोका जाएगा। और ये वजह है कि चारों ओर बैरिकेडिंग के अलावा पुलिस की टीम जो है वो देखी जा सकती है। पुलिस का जो बड़ा जाप्ता है वो पूरे कोर्ट परिसर के बाहर जो है वो मौजूद है, चारों ओर से जो सड़कें हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है, किसी तरह की आवाजाही यहाँ पर नहीं होने दी जा रही है, लोगों के भी आने जाने पर रोक लगी हुई है, वाहनों के आने जाने पर रोक लगी हुई है। और देखिए लगातार जो वकीलों का विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि क्यों जो है वो आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों जो आवाज है उसे बुलंद नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि ये जो आवाज है ये आम आदमी की आवाज है। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आदिवासी इलाके का जो गरीब व्यक्ति है उसे न्याय पाने के लिए जोधपुर तक जाना होता है, और जोधपुर तक जाने में उसे काफी परेशानी आती है। जब ऐसे भी मौके आते हैं जब कई बार जोधपुर नहीं जा पाने के चलते आदिवासी अंचल का व्यक्ति न्याय पाने से वंचित रह जाता है, और इसी को लेकर 40 साल पहले ये मांग उठाई गई थी कि हाईकोर्ट बेंच जो है वो उदयपुर में शुरू की जाए, और जो आदिवासी अंचल का जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति जो है वो न्याय पा सके, इसी को लेकर जो मांग है वो शुरू की गई थी, लेकिन निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए, आगे इसका कोई हल नहीं निकल पाया। देखिए आप बताइए कि टेक्निकल पहलू क्या है, क्या हाईकोर्ट बेंच लाने में किसी तरह की तकनीकी अड़चन है क्या? तकनीकी अड़चन किसी प्रकार से नहीं है। अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान के अनुसूचियों के अनुसार भी मेवाड़ वगैरह के गरीब व्यक्ति को, पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए न्याय की व्यवस्था हो, जैसा कि हमारी अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद कहती है कि घर घर न्याय जाना चाहिए, न्याय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। लेकिन सरकार की इस प्रकार की उदासीनता, जो केवल मात्र ये रवैया सरकार का जाहिर करती है कि माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री महोदय अपने जोधपुर प्रेम को लगातार कई वर्षों से पाले हुए हैं, और मेवाड़ वगैरह की जनता की, आदिवासी गरीब अंचल के लिए जो संवैधानिक दृष्टि से भी हम न्याय पाने के हकदार है, न्याय पाना हर एक अधिवक्ता का नहीं हर एक व्यक्ति का मूल अधिकार के रूप में सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि किस प्रकार से न्याय का विकेंद्रीकरण किया जाए। आज कई राज्य ऐसे हैं जिनमें चार चार हाईकोर्ट की पीठ है, लेकिन क्या पता क्या विडंबना है कि मेवाड़ के मुख्यमंत्री, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री का जोधपुर प्रेम कहीं हटने का नाम नहीं ले रहा। हम उनसे बात करने गए तो वो कहते हैं कि जोधपुर के अधिवक्ता, कोटा के अधिवक्ता, बीकानेर के अधिवक्ता नाराज हो जाएंगे। मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, मेरा निवेदन है कि हम लोग किसी को नाराज या खुश करने के लिए आपको मेवाड़ की जनता ने वोट नहीं दिया है। मेवाड़ की जनता ने आपको वोट, मेवाड़ के लोगों को किस प्रकार से सुविधाएं मिले, किस प्रकार की उनकी रोटी, खाना, कपड़ा और न्याय की व्यवस्था हो, इस कारण से हमने चुन करके भेजा है। हम निश्चित रूप से इस आंदोलन के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगली बार जब भी ये सरकार राजस्थान में हमारे मेवाड़ अंचल में गरीब आदिवासियों के वोट मांगने आएगी, हम उनके वोट पर चोट करने के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये आक्रोश अब वोट पर चोट तक पहुंच चुका है। जो वकील है उनका कहना है कि जो जो मांग है वो पूरी तरह से जायज है। कई राज्यों ने
इस मांग, जब दूसरे राज्यों में इस तरह की मांग उठी थी तो वहां पर भी हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की गई है, ऐसे कई उदाहरण है। ऐसे में किसी तरह का कोई तकनीकी पहलू नहीं है, तकनीकी अड़चन नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। और देखिए जिस तरह से जो उदयपुर के वकील हैं मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वे अपने जोधपुर प्रेम के चलते उदयपुर की आदिवासी जनता को न्याय मिले इसके लिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। और ये आरोप सिर्फ वर्तमान सरकार पर नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं का कहना है कि कोई भी सरकार आई हो वो इस ओर कोई आगे ठोस कदम नहीं बढ़ा पाई है। जबकि उदयपुर में अगर हम बात करें तो पिछले 40 वर्षों से उदयपुर में जब भी चुनाव हुए हैं हर राजनीतिक पार्टी का ये चुनावी एजेंडा रहा है कि वो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन चुनाव निकलने के साथ ही ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और उस पर किसी तरह से कोई राजनेता आगे ध्यान नहीं देता है। तो देखिए यही एक बड़ी वजह है कि आज वकीलों को सड़क पर उतरना पड़ा है। एक बार फिर आप तस्वीरें देखिए, ये कोर्ट चौराहे के बाहर की तस्वीरें हैं, वकील जो हैं वो सड़क पर मौजूद हैं और गिरफ्तारियां देने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। गिरफ्तारियां वकीलों द्वारा दी जा रही है और पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है ये, क्योंकि पुलिस ने पहले जब वकीलों की संख्या बहुत कम थी उससे पहले इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। ऐसे में वकीलों का आक्रोश इस बात को लेकर भी फूट पड़ा कि आखिर क्यों किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस हर तरह के प्रयासों में पहले से जुट जाती है। पूरे इलाके को छावनी में बदलना, आधे आधे किलोमीटर तक बैरिकेड, चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस के आला और दिग्गज नेता उदयपुर के अंदर मौजूद है और ऐसे समय में गहलोत को काले झंडे दिखाए जाना और इस तरह की परिस्थितियों का उदयपुर के अंदर निर्माण होना, और ये खबर इस समय पूरे देश में है कि यहां पर चिंतन शिविर चल रहा है और यहीं पर जो है विरोध किया जा रहा है। एक बार अपने दर्शकों को फिर से कपिल बताने की कोशिश करें, शुरू से लेकर अब तक का घटनाक्रम क्यों जो है वो मिलने नहीं दिया गया जब ये मिलने के लिए गए थे, क्या इन्होंने वार्ता के लिए समय मांगा था या फिर जो है इन्हें नेक्स्ट टाइम या आगे का समय दिया गया था? कपिल देखिए जैसा कि हमारी वकीलों से बात हो रही है, आप तस्वीरें भी साथ में देखते रहिए, जैसा हमारी वकीलों से बात हो रही है उन्हें मिलने दिया गया, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जो रेस्पॉन्स था वो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं था। जबकि वकीलों के डेलीगेशन के साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत मौजूद थे, वकीलों का कहना है कि उनके पद की गरिमा को देखते हुए जो मुख्यमंत्री का जो रेस्पॉन्स होना चाहिए था वो रेस्पॉन्स वकीलों को मुलाकात के दौरान नहीं मिला। परसों ये मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई थी, उन्हें ज्ञापन दिया गया था, लेकिन जैसा कि वकील बता रहे हैं मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में उन्हें ये बता दिया कि उदयपुर के वकीलों को की मांग को पूरा करने के लिए वे प्रदेश के अन्य इलाकों के जो वकील हैं उन्हें नाराज नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो वकील हैं लगातार आक्रोशित हैं, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उन्हें हर व्यक्ति को न्याय मिले ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि वकील दूसरे जगहों के वकीलों को खुश करने के लिए किसी की मांग को दबाने की, मांग को नजरअंदाज करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए तकनीकी पहलू पर हम बात कर रहे थे, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या है क्या? नहीं, अगर कोई दृढ़ निश्चय के साथ मुख्यमंत्री जी सोच ले कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना है तो बहुत से ऐसे इश्यूज है, पॉइंट है जिसके आधार पर, मेन जो पॉइंट है फिफ्थ शेड्यूल का, और उसी आधार पर एक आधार भी अगर चाहे सरकार तो उदयपुर के अंदर न्याय हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कर सकती है। केवल इच्छा शक्ति की कमी है राजनेताओं में, केवल अपने लोगों को खुश करने की वजह से ही उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो पा रही है। वो भी कुछ जो जिनको खुश करना चाहते, कुछ क्षणिक लोग है जिनको खुश करना चाहते, जबकि मेवाड़ की इतनी भारी जनता है और जो जितना राजस्व मेवाड़ से जाता है सरकार को, उसको भी नजरअंदाज सरकार द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को शीघ्र ही मेवाड़ की जनता को न्याय मिले और इस उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की घोषणा करनी चाहिए ताकि मेवाड़ की जनता अपना न्याय प्राप्त कर सके। ये आदिवासी अंचल है, ऐसे में यहाँ की जनता काफी गरीब है, न्याय पाने में कितनी परेशानी आ रही है। आप देखिए कि कोटड़ा क्षेत्र से उदयपुर जोधपुर जाना या कुशलगढ़ से आगे कम से कम 750 किलोमीटर पार करने के बाद जोधपुर आता है कुशलगढ़ की जनता के लिए। अगर देखा जाए आज उनकी आर्थिक स्थिति देखें, आप उनके घर पे जाके उनकी जो मूलभूत आवश्यकता जो होती है जीवन जीने के लिए वो भी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटे से प्रकरण में अगर वो फंस जाता है तो उसको हाईकोर्ट जाने के लिए कहीं से पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाता है, और वहाँ हाईकोर्ट में जब जाते हैं तो
वहाँ के जो उच्च न्यायालय के एडवोकेट्स का कोई रिस्पॉन्स उनके द्वारा नहीं दिया जाता है। यदि यहाँ अगर उनके सामने कोई न्याय मिल पाता और सामने अगर सुनवाई होती है तो निश्चित रूप से उनको पता लगता है कि आज वास्तव में न्याय प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में उनको भी एक अपनी सरकार के प्रति ये लगेगा कि हमें सरकार ने न्याय प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया। जी बिल्कुल, देखिए कानून भी कहता है कि हर व्यक्ति को सस्ता सरल सुगम न्याय मिले, हर व्यक्ति को न्याय मिले, और इसी के लिए जो कानून है वो बनाए गए हैं, सभी को न्याय मिले व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन उदयपुर के आदिवासी अंचल की जो गरीब जनता है वो न्याय से इसलिए वंचित है क्योंकि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना 40 वर्षों की मांग के बावजूद नहीं हो पा रही है और यहाँ की जो गरीब जनता है वो न्याय पाने के लिए जोधपुर तक जाने में असमर्थ है। हालांकि कई लोग जोधपुर तक न्याय पाने के लिए जाते हैं लेकिन वे भारी कर्ज लेकर भी न्याय पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा बड़ा तबका है जो कि न्याय पाने के लिए जोधपुर नहीं जा पाता है और जो उसका न्याय पाने का जो मूलभूत अधिकार है उससे वो वंचित रह जाता है। जी हाँ बिल्कुल कपिल, इसके साथ ही एक एडवोकेट को हम सुन रहे थे जिन्होंने कहा, उदाहरण भी दिए कुछ दूसरे राज्यों के, चाहे वो मध्य प्रदेश का दिया हो या झारखंड का दिया हो, कि अगर जिजीविषा हो, इच्छा शक्ति हो, तो तीन बेंच भी किसी एक राज्य के अंदर बनाई जा सकती हैं। तो जब दूसरे उदाहरण कपिल मौजूद हैं, कई दूसरे राज्यों के अंदर अगर तीन तीन बेंच बनाई गई है, तो क्या वकीलों के एक बड़े ग्रुप के साथ बैठकर, प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर, कानूनी सलाहकारों के साथ बैठकर इस पर विचार किया जा सकता है कि अगर राज्य के अंदर जरूरत है एक और बेंच बनाए जाने की, क्योंकि जोधपुर से उदयपुर की दूरी बहुत ज्यादा पड़ती है और जो आम आदमी होता है जिसके कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं उसे बार बार जो है वो जोधपुर हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे में जो है उसको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, आर्थिक तौर पर उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब आप दूसरे शहर में जाते हैं कई सुनवाइयां होती है, हियरिंग पे हियरिंग चलती है, तारीखों पर तारीखें मिलती हैं, ऐसे में आपका लगातार जो दूसरे शहर में टिके रहना काफी मुश्किल होता है, चुनौती भरा होता है। तो क्या टेक्निकल ग्राउंड पे एक टीम का गठन कर इसको सॉल्व करने की गुंजाइश बन सकती है, सरकार इसको कंसिडर कर सकती है आज हुए हंगामे के बाद? किस कदर वहां भी स्थिति हुई थी, देखिए फिफ्थ शेड्यूल एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके मार्फत तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में हो सकती है। लेकिन आप देखिए जैसा कि बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी या वकील बता रहे हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति के अभाव में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में नहीं हो पा रही है। दूसरा आप देखिए कि तत्कालीन जो कानून मंत्री थे वीरप्पा मोहली उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस समय ये पत्र भेजा गया, ये बताया गया था कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। और इसका एक बड़ा कारण जैसा कि वकील लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्योंकि जोधपुर से आते हैं, वकीलों का कहना है कि उनके जोधपुर प्रेम के चलते आदिवासी अंचल के जो एडवोकेट्स हैं, आदिवासी अंचल के जो गरीब जनता है वो न्याय प्राप्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लगता है यदि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होगी तो ऐसे में जोधपुर के अधिवक्ता नाराज होंगे, दूसरी ओर कोटा और बीकानेर के अधिवक्ता भी हाईकोर्ट बेंच की मांग करेंगे। लेकिन आप देखिए कि वकीलों का कहना है कि जितनी ज्यादा बेंचेस प्रदेश में खोली जाएगी उतना ज्यादा न्याय प्राप्त कपिल एक एक तर्क जो है वो बार बार आ रहा है, एक दलील जो है वो बार बार सामने आ रही है, अधिवक्ता नाराज हो जाएंगे, जोधपुर के अधिवक्ता नाराज हो जाएंगे। नाराजगी की क्या वजह है? अगर जोधपुर के अधिवक्ता है तो जोधपुर के अंदर वो कोर्ट केसेस लड़ रहे हैं, अगर जयपुर बेंच के अधिवक्ता है तो जयपुर के अंदर केसेस लड़ रहे हैं, और अगर एक बेंच अगर उदयपुर में बनती है तो यहाँ पर भी जो है वो ये नाराजगी वाला जो बिंदु है इसे समझाने की कोशिश करें। कपिल आज अड़के बैठ जाए सरकार के सामने कि हम हाईकोर्ट देखिए ये नाराजगी जो बात है ये अभी तक किसी भी अधिवक्ता द्वारा जोधपुर के अधिवक्ता द्वारा भी खुलकर नहीं कही गई है कि वो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच मिलने पर नाराज हो जाएंगे। आप देखिए ये जो तर्क राजनेताओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसा कि ये वकील बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा भी ये तर्क दिया गया है कि जो जोधपुर के अधिवक्ता नाराज हो जाएंगे, उसका एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि उदयपुर से जो लोग हैं वो न्याय प्राप्त करने के लिए जोधपुर जाते हैं, जोधपुर के अधिवक्ताओं से मिलते हैं। यदि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो जाएगी तो यहाँ से बड़ा तबका जो जोधपुर जाकर वहाँ के अधिवक्ताओं से अपनी पैरवी कराता है
वो जोधपुर नहीं जाएगा और वो उदयपुर के अधिवक्ताओं से यहीं पर अपनी पैरवी कराएगा, यहीं पर उन्हें उदयपुर में ही हाईकोर्ट बेंच जब भी जो दिन तय किए जाएंगे बेंच के, उस दौरान जब यहाँ पर हाईकोर्ट की जो बेंच है वो बैठेगी और उस दौरान यहाँ के अधिवक्ता उनकी पैरवी करेंगे, तो यहाँ से जो लोग हैं वो जोधपुर जाना रुक जाएंगे। ये एक नाराजगी की बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन ये जो नाराजगी की बातें हैं ये राजनेताओं द्वारा ज्यादा की जा रही है। यदि नेताओं ने जनता की बिल्कुल कपिल साफ तौर पर जैसा कि देखा जा रहा है, चूंकि आज हंगामा बरपा है और पूरी कांग्रेस जो है इस समय उदयपुर के चिंतन शिविर में इकट्ठा है, तमाम बड़े नाम और तमाम बड़े नेता, और ऐसे में जब ये हंगामा यहाँ पर जो है वो उदयपुर में चल रहा है और वकील जो है वो लगातार बेंच की मांग कर रहे हैं, ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है आज के हंगामे के बाद में कपिल की जो है वो सरकार या सीएम जो है वो इनके साथ बैठे, इनके साथ मिले और इसके ऊपर किसी तरीके का कोई नतीजा या आश्वासन निकल कर सामने आए। चूंकि वकील लगातार कह रहे हैं कि आश्वासन जो है वो पिछले 40 सालों से लगातार ही दिया जा रहा है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस परिणाम निकलकर सामने नहीं आए। साथ ही साथ वकीलों ने सीएम के ऊपर जो है वो जोधपुर प्रेम का आरोप भी लगाया, क्योंकि वो वहां पर आते हैं तो जो है वो जोधपुर को हमेशा किसी भी मामले के अंदर वरीयता या प्राथमिकता पहले देते हैं। अब ऐसे में जो है वो उदयपुर, जिसकी दूरी जोधपुर से बहुत ज्यादा है, उसके लिए किस तरीके का जो नतीजा है या आश्वासन है वो निकल सकता है उदयपुर? न तो बीजेपी के किसी प्रोग्राम का हम विरोध करते थे, न कभी कांग्रेस के किसी प्रोग्राम का विरोध करेंगे। हम अपने अपने मुद्दे पर और अपने मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा। कपिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगातार मिलते रहे हैं, लेकिन ये परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं और इसी बात का आक्रोश है कि पहले इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं, ये कहा जाता रहा है कि चुनाव जीतते ही सिर्फ और सिर्फ इसी पर काम किया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में सभी इन मुद्दों को भूल जाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका जो कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, पिछले कुछ समय से ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटका है और ऐसे में एक बार फिर इस यहाँ के लोगों को कांग्रेस अपने साथ मिलाने की कोशिश में जुटी। आप देखिए 16 मई को बेणेश्वर में राहुल गांधी की सभा कराई जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे और आदि चूंकि राजस्थान में एक साल में चुनाव होने हैं तो ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि आदिवासी वोट बैंक को फिर से साधा जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में साधना जो है वो आम जनता के साथ में छलावा नजर आता है, क्योंकि यदि आदिवासी जनता के हित में काम करना है तो उन्हें सस्ता न्याय मिले, सुगम न्याय मिले, हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से न्याय मिले, इसके लिए भी सरकार को काम करना चाहिए। और ये जो मांग है ये मांग इसी के लिए है कि आदिवासी बाहुल्य जनता जोधपुर जो कि उदयपुर से तकरीबन 250 किलोमीटर पड़ता है वहां तक नहीं जा पाती है, वहां जाने के बाद में वहां पर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अधिकांश जनता अशिक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वहां पर उन्हें न्याय प्राप्त करने में काफी दिक्कत आती है। और यदि आदिवासियों के हित की बात करनी है तो उन्हें आसानी से न्याय मिल सके और सस्ता न्याय मिल सके, इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा। जी बिल्कुल कपिल, और आपके पीछे जो वकील है उनके मंच से भी जो है वो काफी आवाजें आ रही है, तो आवाज पहुंचने में आपकी जो है वो काफी कठिनाई यहां पर आ रही है। चूंकि कपिल, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस चिंतन शिविर के दौरान जब वकीलों ने ये प्रदर्शन यहां पर किया है तो ये आवाज न केवल राज्य भर में बल्कि देश भर के अंदर ये आवाज गई है, और ऊपर से जो वकीलों ने काले झंडे भी यहां पर दिखाए हैं, जैसा कि आपने बताया मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने नहीं आ पाए। चूंकि आला कमान भी यहां पर मौजूद है, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का यहां पर मौजूद है, इन तस्वीरों के बाद में किसी तरह की हिदायत, किसी तरह की नसीहत भी शीर्ष कमान की तरफ से जो है वो सीएम को यहां पर दी जा सकती है इस हंगामे से बचने के लिए? ये जो प्रस्ताव है इस सब पर आपकी सहमति है तो हम सब हाथ खड़े करके एक मत से, तो ये प्रस्ताव आज बना करके हम हाथ से यहाँ से भी भेजते हैं, यहाँ प्रशासन के जो लोग हैं।
कपिल से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। कपिल शेमाली संवाददाता उदयपुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये तस्वीरें जब वकीलों ने गिरफ्तारी दी, काले झंडे लेकर पहुंचे, चिंतन शिविर तक जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने बीच में रोका, गिरफ्तारियां दी और ये वो तस्वीरें जो चिंतन शिविर के बाहर दिखाई जा रही हैं। और उदयपुर के अधिवक्ताओं वकीलों की मांग है कि उदयपुर के अंदर एक हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। वकीलों का यह भी कहना है कि लगातार इन्हें आश्वासन दिया गया था लेकिन बावजूद आश्वासन के यहां पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं की गई। दलील ये दी जा रही है कि जोधपुर से उदयपुर की दूरी काफी ज्यादा है और न्याय पाने के लिए आम लोगों को, गरीब लोगों को, आदिवासियों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है जिनसे उनके ऊपर आर्थिक बोझ ज्यादा आता है। और कांग्रेस ने वादा भी किया था अपने मैनिफेस्टो में कि यहां पर जो है हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी लेकिन अब तक इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।